कक्षा आठवीं, विषय हिंदी में चौथी कविता है उठो दरा के अमर सपूतों। लेखक का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता के लेखक है। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह हैं, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो दरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने कई कृतियाँ लिखी है। प्रस्तुत कार्य में प्रकृति के तत्वों से लेकर अपने ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का आदेश दिया है, एक संदेश दिया है कि हमारे देश को नवनिर्माण कैसे करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दौरान हमारा देश जब गुलामी झेल रहा था, इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद आज हमने आज़ादी का सवेरा देखा है और यह कविता उसी समय की रचना है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसमें कवि ने देश के सपूतों को अपने देश का निर्माण करने के लिए कहा था कि उठो दरा के अमर सपूतों और अपने देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तो पहले हम कविता का गान करेंगे। उठो दरा की अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई प्रांत है नई बात है नई किरण है ज्योति नई, नई प्रांत है नई बात है नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते, गुने 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 गुन करते बहुरे, गुने 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 गुन करते बहुरे, मस्त उधर मंडराते हैं, नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो दरा के अमर सपूतों, नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर वहाँ, फूल फूल मुस्काया है धरती माँ की, आज हो रही नई सुनहरी काया है, नई सुनहरी काया है, नूतन मंगल से गुंजित जग उद्यान करो, उठो दरा के
की समझूति देखेंगे। कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी कहते हैं कि उठो, जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। सभी देश के सपूतों को द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी कहते हैं, उठो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। हमारा देश सदियों तक गुलामी झेल रहा था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से उसे मुक्ति मिल गई। तो कवि महेश्वरी जी देश के सपूतों को नव निर्माण करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो कवि कहते हैं कि हे भारत माता के पुत्रों, गुलामी की जो रात थी वह बीत गई है, आजादी का सवेरा हमें देखने को मिला है। अब तुम आज तक जो अज्ञान और आलस्य की नींद में सो रहे थे, तो जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से कहते थे कि जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो देशवासियों के जीवन में आपको नई स्फूर्ति और नए प्राण भरने हैं, ऐसा कवि देश के जो सैनिक है उन्हें कहते हैं। वो देशवासियों है, उनमें नए प्राणों का संचार भी आपको करना है। आगे कहते हैं कि नई प्राण है, नई सुख, नई बातें हैं, नई किरण है, ज्योति नहीं। कहते हैं कि आज़ादी की सुबह कैसी है, नई है। तो नई सुबह में नई नई चर्चाएं हो रही है, नए नए विचारों की किरणें भी फैल रही है और सब अपने जीवन में एक नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सास नई। तो सबके मन में कुछ करने की नई नई उमंगे, नए हौसले और नए हौसले की तरंगे, नए हौसले की लहरें सबके मन में आज दिखाई दे रही है। नई आस है सास नई, सबके मन में नई नई आशा है। आज देशवासी आज़ादी की सांस भी ले रहे हैं। नई सुबह है, नई नई चर्चाएं हो रही है, नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। सबके जीवन में नई उमंग और नए हौसले आ रहे हैं, सबके जीवन में नई नई आशाएं हैं और सब आज आज़ादी की सांस भी ले रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि युग युग के मुर्जे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। हे देश के सपूतों, तुम्हें नवयुग के, तुम्हें युग युग के बरसों से जो मुरझाए हुए फूल हैं, जो लोग हैं, उनके जीवन में तुम्हें नई मुस्कान लेनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। कहते हैं कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरो और उनके जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भर दो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। कहते हैं कि डाल डाल पर बैठ भी हम कुछ नए स्वरों में गाते हैं, नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते बहुरे मस्त उधर मन रहते हैं। तो आज आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी बहुत आनंदित हो गई है और पेड़ों की डालों पर जो पक्षी बैठे हुए हैं, डाल डाल पर बैठ विहग, विहग यानी कि पक्षी, डालों पर जो पक्षी बैठे हुए हैं वह भी, उनके राग में भी आज नवीनता देखने को मिलती है, वो भी नए नए स्वरों में गा रहे हैं। आज़ादी की सुबह में नए नए गीत बहुत खुशी से गा रहे हैं, गुनगुन करते भौरे, बाग बगीचे में भौरे भी मस्ती से गुंजारव कर रहे हैं और मस्त उधर मनराते हैं, बहुत अच्छा आवाज निकल कर अपनी गुंजारव पूरे बगीचे में फैला रहे हैं। आगे देखिए, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद आज नया युग आया है, तो इस नए युग में सभी के जीवन में नया राग, उनकी वीणा में जो उनके नूतन युग की जो वीणा है, तो उन वीणा में नए राग और नए गान आपको भरने हैं, ऐसा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी सभी देश के सैनिकों को कहते हैं। आगे देखिए, कली कली खिल रही विदर्भ, फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही विदर्भ, फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कहते हैं कि इधर उद्यान में भी कलियाँ खिल रही है, प्रत्येक फूल भी मुस्कुरा रहा है और सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है और ऐसा लगता है जैसे धरती माता का जो शरीर है, भारत माता का शरीर सुनहरा लग रहा है। तो हे देश के सपूतों, नूतन मंगलमय वाणियों से, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।
तो हे देश के सपूतों, अपनी मंगलमय वाणी से, अपनी शुभ वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को आपको गुंजित करना है। कहते हैं कि उद्यान में कलियां खिल गई है, खिली हुई कलियां भी मुस्कुरा रही है, सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला है। ऐसा लगता है सूर्य के प्रकाश के जो धरती माता है उनका शरीर भी आज सुनहरा दिखने को मिलता है। तो हे देश के सपूतों, अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को, हमारा जो संसार है जिनमें सभी लोग रहते हैं, तो ये हमारा देश है, देश में रहने वाले सभी लोगों के जीवन में आप नई नई बातें भर दो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि कहते हैं कि यह सरस्वती का मंदिर है। कवि ने देश को क्या कहा है, सरस्वती का मंदिर कहा है, और देश को, हर बालक को ऐसा भी कहा है कि सरस्वती का पावन मंदिर यह हमारा देश है, वो एक प्रकार की हमारी संपत्ति है, और तुम में से हर बालक, तुम सभी बालक है, तो उन सभी बालकों इस सरस्वती मंदिर के, इस देश के रक्षक और पुजारी है। आप सभी देश के रक्षक कर्ता और पुजारी है। तो कवि इस बात बालकों से कहते हैं कि देश एक सरस्वती का मंदिर है, यहाँ की कल्याणकारी जो सारी विद्याएं हैं वह तुम्हारी संपत्ति है, और तुम में से हर एक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ आगे कहते हैं कि सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, ज्ञान के सैकड़ों दीपक जला के, यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जला के नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है। तो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इस कविता में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय की बातें कहते हैं, और कहते हैं कि देश के जो सपूत हैं, उठो जागो, अज्ञान और आलस्य की जो नींद है उसमें से उठो, और हमारे जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नए प्राण भरो, नई सुबह है, नई चर्चाएं हो रही है और नया प्रकाश भी मिल रहा है। तो सभी लोगों के जीवन में नई उमंग, कुछ करने के नए हौसले और तरंगे देखने को मिलती है। सभी के जीवन में नई नई आशाएं हैं, नई नई चर्चाएं हैं। सब आज़ादी की इस नई सुबह में कुछ न कुछ नया करने की सोच रहे हैं, और कवि भी कहते हैं कि सबके जीवन में तुम स्फूर्ति और प्राण भरो, बरसों से जो मुरझाए हुए फूल है उस फूलों में नई स्फूर्ति भरनी है, और प्रकृति के तत्व भी, जैसे पक्षी अच्छे अच्छे स्वर में गाता है, भंवरे भी बगीचे में गुंजारव करता है। कवि कहते हैं कि हमारे जो देश का नवनिर्माण है उस नई वीणा में नए राग, नया नया गान भरना है। कलियां भी खिल रही है, हर एक फूल मुस्का रहा है, और ऐसा प्रकाश फैला हुआ है कि धरती माता भी हमारी सुनहरी दिख रही है। और देश के सपूतों को कहते हैं कि अपनी नूतन मंगलमय वाणी से, अपनी सुंदर वाणी से अपने जो, अपना जो देश है उस देश को कैसा कर दो, संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। और कवि पूरे देश को एक सरस्वती का पावन मंदिर कहते हैं, और और शुभ संपत्ति कहते हैं कि ये जो हमारा देश है वो एक सरस्वती का पावन मंदिर है, और जो संपत्ति प्राप्त होती है वो हमारी संपत्ति है, और तुम में से हर एक बालक इस देश का पुजारी है, रक्षक और पुजारी है। तो सैकड़ों ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाओ और देश के नवनिर्माण में ले जाओ, देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तो इसी प्रकार द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी इस काव्य में हमें देश के नवनिर्माण हो जाने के बाद सभी के जीवन में नया उत्साह भरने की बात करते हैं। थैंक यू।